होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है एवं मृतकों का अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रशासन एवं परिजनों की मौजूदगी में मुक्ति धाम के अंतर्गत किया गया। वही कोरोना से संक्रमित पाए गए गंभीर मरीजों का उपचार स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में कोविड सेंटर में जारी है एवं अन्य संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है। वही बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिव नारायण से सागर संभाग के कमिश्नर राजू शर्मा एवं कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह, SDOP भारती जाट एवं RI रेखा सिंह परिहार सहित संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें एवं अति आवश्यक स्थिति में ही मास्क लगाकर घरों से निकलें और किसी भी परिस्थितियों में घबराएं नहीं एवं सैनिटाइज करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वैक्सीन लगवाएं जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। फिर सुमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और मैं जनता जनार्दन से उमरिया के नगर के व्यापारी बंधुओं से आम जनमानस से आग्रह करना चाहूँगा कि जो सरकारी गाइडलाइन बनी हुई है उसका पालन करें। घर से निकलते समय मैं यही कहूँगा कि आप डबल मास्क लगाकर निकले घर से, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। जब तक यह बीमारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती तब तक हमें सामाजिक दूरी बना के चलना है। मैं यही जनता ज्यादा जिले में सैकड़ों कोरोना मरीज हैं, घरों पर होम आइसोलेट हैं और हॉस्पिटल में हैं, कोविड केयर सेंटर में हैं। मैं उन सब की भविष्य के लिए, उनकी सेहत के लिए भगवान से, खुदा से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इससे पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने परिवार के साथ समाज में वापस आएं। और जिस तरीके से कोरोना ने हमारे उमरिया ज़िले में हाहाकार मचाया है तो ये देखने में आया है कि कई सारे लोग अब हमारे पास नहीं रह गए, उन लोगों की कोरोना ने जान ले ली। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी जिलेवासियों से आग्रह करता हूँ कि कोविड नियमों का पालन करें। प्रशासन जिस तरीके से गाइडलाइन दे रहा है उन गाइडलाइनों का पालन करें। व्यापारी, आम आदमी, हर कोई सब प्रशासन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ज़्यादातर हाथ धोते रहें बार बार। खासकर बूढ़े सयाने लोग जो परिवार के सीनियर सिटीजन हैं उनका खास तौर पे ध्यान दें, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो एक ऑक्सीमीटर खरीद लें और थर्मामीटर ले लें, हर घर में कम से कम इतना आपातकाल में रखें ताकि किसी को फीवर आता है तो कोविड की जांच कराई जा सके, दवाई ली जा सके। हमारे जिले में लगभग 500 की संख्या में रोज सैंपल हो रहे हैं और इन सैंपल्स की रिपोर्ट भी हमको अब 48 आवर्स के अंदर प्राप्त हो रही है और ये रिपोर्ट्स में लगभग 125 के आसपास पिछले 3 दिन से आंकड़ा लगातार पॉजिटिविटी का आ रहा है और कल एक मृत्यु भी हुई है, ऐसे करके कुल 45 मृत्यु हुई है। जिले की स्थिति पर अगर हम नजर रखें तो आज दिनांक पर 4245 कुल पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, 770 का अभी इलाज चल रहा है जिसमें से 137 विभिन्न संस्थाओं में भर्ती हैं, 635 जो है वो होम आइसोलेशन किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कोविड अभी काफ़ी जो है फैल रहा है तो सभी लोग कोविड के नियमों का पालन करें, शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें। कलेक्टर महोदय के द्वारा भी इसमें बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि एवं स्वयं के द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है। दूसरा ये है कि कई लोग जो हमारे पास कोविड की रिपोर्ट के संबंध में संपर्क करते हैं तो मैं उनको यह संदेश देना चाहूँगा कि जिन्होंने RT-PCR की जांच कराई है वो सार्थक.nsp.mp.covid-status-report पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ में 076-53-1075 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फोन करके भी अपनी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। और आपको देना चाहूँगा, हमारे उमरिया जिला छोटा जिला है और यहाँ पर सीमित संसाधनों के साथ में हम लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इलाज करते समय भी, जांच करते समय भी हमारे स्टाफ के भी कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं, डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, नर्सें भी संक्रमित हो रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहे हैं।
साथ में जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में पुलिस लाइन पुलिस के कर्मी काम कर रहे हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो फिर भी हम लोग अपने सारी ताकत के साथ में जिले की सेवाओं में लगे हुए हैं। मैं राजीव शर्मा हूं, कमिश्नर शहडोल संभाग, और आज मैं अपने उमरिया के लोगों से इस संदेश के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। उमरिया के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया है और इसीलिए मैं भी अपने आप को पूरे उमरिया जिले के स्नेह सूत्र में बंधा हुआ पाता। स्नेह की उसी डोर में बंधकर मैं उमरिया जिले के आप सभी भाइयों बहनों से, सभी ग्रामीणों और नागरिकों से ये अनुरोध करता हूं कि महामारी से अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाइए। मैंने और मेरे परिवार ने इस वैक्सीन के दोनों टीके लगवाए हैं और इसीलिए हम सुरक्षित हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, आपके प्रियजन भी सुरक्षित रहें। इसलिए चूकिए मत, मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार के सहयोग से और उमरिया के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मशीनरी के माध्यम से जो वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ किया गया है, इसमें चूकिए मत, ये टीके जरूर लगवाइए। इन टीकों को लगाने से कोई नुकसान नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों को टीके लगवाते हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसको कितने सारे टीके लगाते हैं, टीबी का, टिटनेस का, पोलियो का, और अगले 5 साल तक हम बच्चों को कितनी सारी बीमारियों के टीके देते हैं। तो जैसे वो टीके बच्चों की रक्षा करते हैं, गर्भवती और शिशुवती माताओं की रक्षा करते हैं, इसी तरह ये कोविड की वैक्सीन आपकी और आपके प्रियजनों की रक्षा के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ये टीका लगवाएंगे। धन्यवाद।